हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि पेंसिल बॉक्स का कलेक्शन लेकर आओ, पेंसिल बॉक्स का कलेक्शन लेकर आओ। सो गाइस, आप सबकी डिमांड पर पेंसिल बॉक्स का एक ह्यूज कलेक्शन मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं। और गाइस, आप देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल पेंसिल बॉक्स आज आपके सामने रखे हुए हैं। सो गाइस, मैं एक एक करके सबको आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ मैं सबका प्राइस भी आपको बताऊंगा। और गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास बीटीएस का जंबो पेंसिल बॉक्स है, डोरेमोन का जंबो पेंसिल बॉक्स है विद कैलकुलेटर, उसके बाद हमारा वाला है, हमारे पास बस वाला है, मेटल का है ये, और उसके बाद हमारे पास यूनिकॉर्न वाला भी है और यूनिकॉर्न का एक उधर भी है। गाइस, सारे के सारे मैं आपको डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं और सभी का प्राइस भी बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी देर के इनका रिव्यू चालू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा बीटीएस का जंबो पेंसिल बॉक्स। और ये देखिए, इसको जंबो ऐसे ही नहीं बोलते, आप मेरे हाथों में इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जंबो पेंसिल बॉक्स है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं, ये 260 रुपए में मैंने खरीदा है। और गाइस, ये देखिए यहां पर बीटीएस आर्मी यानी कि जो बीटीएस के कैरेक्टर है वो यहाँ पर है। और जो लोग असली बीटीएस आर्मी है, जो लोग अपने आप को बीटीएस आर्मी मानते हैं, वो लोग इन लोगों के नाम जल्दी से कमेंट में लिख दो। जिसको इनका सातों कैरेक्टर का नाम पता है वो कमेंट में लिख दो और लिख दो #BTSArmy। देखते हैं लोग कितने तगड़े फैन है इनके। सो गाइस, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर कुछ बटन दिए गए हैं, दो इधर, तो इनको दबाते हैं। तो ये बटन दबाने के बाद आप देखेंगे इधर से निकल के आता है शार्पनर का एक स्पेस, और ये वाला बटन दबाएंगे तो यहां पर इरेजर रखने के लिए काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और अब हम ये वाला बटन दबाएंगे और ये वाला बटन दबाने के बाद यहां पर भी एक सीक्रेट स्पेस आप देख सकते हैं निकल के आ जाता है, और ये वाला दबाने पर भी यहां से एक सीक्रेट स्पेस निकल कर आ जाता है। और गाइस, यही नहीं, मैं आपको और भी चीजें इसमें दिखा देता हूं। तो इसको तो इधर से जब आप ओपन करेंगे तो यहां से पेंसिल पेन रखने के लिए एक स्पेस आपको मिल जाता है, और यहां पर कंपास वगैरह भी आप रख सकते हो। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर छोटी पेंसिल जो क्रेयॉन्स होते हैं या फिर जो कलर पेंसिल्स होते हैं वो यहां पर आप रख सकते हैं, या फिर जो मर्जी चाहे आप रख सकते हैं। और ये वाला बटन दबाएंगे तो एक सीक्रेट स्पेस और यहां से निकल करके जो आ जाता है यहां पर अपने सीक्रेट जो प्राइवेट पेंस होते हैं जो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते वो यहां पर आप पेन पेंसिल्स रख सकते हैं। और ये वाला बटन ऊपर स्लाइड करेंगे तो यहां पर से भी एक सीक्रेट स्पेस निकल के आ जाता है, यहां पर पैसे वगैरह छोटे छोटी पर्चियां वगैरह आप छुपा सकते हैं। तो देखिए कितनी ह्यूज लग रही है जंबो पेंसिल बॉक्स। तो चलिए इन सबको बंद कर देते हैं, और इसके बाद यही नहीं, इसमें और भी चीजें बाकी है जो मैं आपको दिखा देता हूं। और ये देखिए सब कुछ इजिली बंद हो जाता है, तो इधर से हमने बंद कर लिया, अब हम इसको पलट देते हैं। और यहां पर अपना नेम और क्लास लिख सकते हैं, और जैसे यहां पर पिक्चर दी गई थी यहां पर ऊपर और नीचे भी दी गई है। तो ये देखिए गाइस, इसको इधर से आप ओपन करेंगे तो यहां पर भी आपको बहुत सारा सामान रखने का स्पेस मिल जाता है। तो 260 रुपए में ये पेंसिल बॉक्स वैल्यू फॉर मनी है गाइस। इसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा बस स्टाइल वाला है, ट्रैवल बस वाला पेंसिल बॉक्स। ये पूरा मेटल का बना हुआ है गाइस, और ये हमने 200 रुपीज में खरीदा है। और इसके ऊपर एक हैंडल भी दिया गया है जिसको आप कैरी करके लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और ये बस स्टाइल में दिया गया है, इसके व्हील्स भी घूमते हैं और आप इसको ऐसे चला करके खेल भी सकते हो चाहे तो टाइम पास करने के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से खुलता है, इसको खोल लेते हैं, और खोलने के बाद जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इधर से काफी बड़े स्पेसेस आप देख सकते हो, 3-3 स्पेस आपको मिल जाते हैं अपने स्टेशनरी आइटम्स रखने के लिए। यहां पर 1 से 9 तक टेबल भी मिल जाती है ये देखिए, और यहां पर आप सामान रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, और यहां पर जो थोड़ा बड़ा सामान है वो नीचे की तरफ आप रख सकते हैं, और सारे के सारे स्पेस एक बार में खुल जाते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मेटल वाली पेंसिल बॉक्स है। और जब आप बोर हो जाओ तो इसको बस की तरह इसको आप खेल भी सकते हो और इसको कैरी करके कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो 200 रुपए में ये पेंसिल बॉक्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स मुझे। इसके बाद गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास एक यूनिकॉर्न वाला पेंसिल केस, काफी प्यारा काफी क्यूट पेंसिल केस है, गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। यहां पर लिखा है ड्रीम, यहां पर लिखा है सो क्यूट, और यहां पर यूनिकॉर्न बहुत ही प्यारा 3D स्टाइल में एकदम बना हुआ है, और पीछे से बिल्कुल प्लेन है गाइज। और मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूं। और ये देखिए गाइज, इधर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जिप भी इधर दी गई है, आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है सो क्यूट। और इसको हम खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए। तो ये देखिए इसके अंदर खोलते ही इसको यहां पर आप सामान रखने के लिए यहां पर आपको एक स्पेस मिल जाता है। ये देखिए जिप दी गई है और जाली दी गई है, इसके अंदर क्या रखा है वो नजर भी आएगा आपको। और जब आप इसको एकदम से खोलेंगे ऐसे करके तो इसमें रखा हुआ सामान गिरेगा भी नहीं। और ये देखिए इधर अपनी पेन पेंसिल्स वगैरह आप इधर अटका के रख सकते हैं, और नीचे अपना कंपास वगैरह स्केल और जो आपका जो भी सेट स्क्वायर वगैरह होता है आप यहां पर आराम से रख सकते हैं। और ये काफी बढ़िया पेंसिल पाउच है, और ये 110 रुपए में हमने ये खरीदा है। तो 110 रुपए में इसकी प्राइस कैसी है आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसको रख देते हैं साइड में। और गाइज, मैं आपको वीडियो में ये बताना चाहूंगा, जो भी आपको पेंसिल बॉक्स अच्छा लगे उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पेंसिल बॉक्स सबसे अच्छा लगा। ये आप कभी भी वीडियो के बीच में आप लिख सकते हैं और एक से ज्यादा आप कमेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास एक प्रिंसेस वाला
पेंसिल बॉक्स ये देखिए काफी बढ़िया, ये भी पूरा मेटल का बना हुआ है गाइस। ये देखिए आगे से लेके पीछे तक काफी अच्छी क्वालिटी इधर दी गई है, और इधर एक ट्रांसपेरेंट एप्पल भी बना हुआ है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है आप देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, और ओपन करते ही देखिए गाइस हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर का प्रिंसेस वाला स्केल मिलता है, और एक काफी अच्छा डिजाइन इस पे दिया गया, इधर किटी भी बनी हुई है। और ये देखिए इधर एक शार्पनर मिलता है, एक इरेजर मिलती है हमें, ये देखिए इसमें प्रिंसेस बनी हुई है बहुत सारी प्यारी प्यारी। और ये देखिए इधर एक शार्पनर बना हुआ है, बहुत ही क्यूट बहुत ही स्टाइलिश शार्पनर है, बड़े बड़े साइज का शार्पनर है। और दो पेंसिल्स मिली हुई है, इनके ऊपर भी प्रिंसेस प्रिंटेड है। और इसको आप हटाएंगे तो इसको हटाने के बाद में आपको इसके नीचे भी आपको स्पेस काफी बड़ा देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 से 9 तक टेबल भी इसके अंदर जो है दी गई है। और इसको आप हटाएंगे इधर से तो इसके नीचे भी आपको काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। इतना गहरा स्पेस है कि इसमें आप अपना लंच बॉक्स की तरह खाना भी लेकर जा सकते हो, इतना ज्यादा बड़ा स्पेस इसके अंदर जो है दिया गया है। बट ये देखिए काफी बढ़िया पेंसिल बॉक्स है, और ये पेंसिल बॉक्स हमने जो है 100 रुपीज में लिया है। तो 100 रुपीज में ये वाला प्रिंसेस का पेंसिल बॉक्स कैसा है ये भी कमेंट में जरूर बताना गाइस आप मुझे। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा एवेंजर्स वाला बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स। ये देखिए ये रहा वो एवेंजर्स वाला हमारा बहुत ही पेंसिल बॉक्स, बहुत ही प्यारा। ये 150 रुपीज में हमने खरीदा है, और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही मोटा है। ये देखिए कितना मोटा पेंसिल बॉक्स है, एकदम किसी लंच बॉक्स की तरह टिफिन बॉक्स की तरह नजर आता है, इतना मोटा है। और ये देखिए गाइस इधर एवेंजर्स का लोगो बना हुआ है, इधर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन, और इधर थॉर बना हुआ है, इधर हल्क बना हुआ है। ये देखिए कैप्टन अमेरिका इधर भी बहुत बड़ा बना हुआ है, और ये देखिए पीछे व्हाइट बोर्ड दिया गया है, और इसके ऊपर आप अपना मार्कर से आप लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, और ओपन करते ही सबसे पहले गाइस हमें क्या क्या मिलेगा, 15 सेंटीमीटर का स्केल, एक पेंसिल, एक शार्पनर, एक इरेजर, ये देखिए। और इसको इधर से जब आप ओपन करेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इसको ओपन करने के बाद इसके नीचे भी काफी गहरा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये देखिए इसको रख देते हैं वापस से इसके अंदर, और इधर से आप खोलेंगे तो इसके अंदर गाइस ये देखिए इधर एक व्हाइट बोर्ड देखने के लिए मिलता है, और इधर भी एक व्हाइट बोर्ड देखने के लिए मिलता है, और इसके साथ एक गाइस ये देखिए एक मार्कर मिलता है, और जिसको आप लिख करके मिटा भी सकते हो। ये देखिए इधर हमने लिख दिया है, और इधर एक ब्रश दिया गया, इससे आप इसको मिटा भी सकते हो। ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से मिटा देता है, और ये थोड़ा बहुत रह गया, इसको हम गीले कपड़े से साफ कर देंगे तो ये भी मिट जाएगा। तो ये पेंसिल बॉक्स आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में आप जरूर बताना गाइस मुझे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही क्यूट पेंसिल बॉक्स जो है एक हमारे पास क्रोकोडाइल वाला पेंसिल बॉक्स। ये देखिए ये प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है, पर इसके अंदर वजन बहुत ज्यादा है क्योंकि क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है गाइस इसकी। ये देखिए इधर 1 2 3 4 बटन दिए गए, ये मैं आपको बटन प्रेस करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले गाइस ये देखिए इसके बारे में काफी इधर डिटेल्स भी, ये देखिए इधर डिटेलिंग भी काफी अच्छी जो है दी गई है। तो ये बटन दबाते हैं पहले, तो ये बटन दबाते हैं, यहां पर हमारी निकल के आती है सेलो टेप, ये देखिए टेप निकल आती है बटन दबाते ही। और ये बटन दबाएंगे तो गाइस ये देखिए क्या निकल क्या आएगा, ये बटन दबाते गाइस इधर जो है एक बहुत ही बढ़िया स्पेस इधर देखने के लिए मिलता है। अब ये वाला बटन दबाएंगे गाइस ये देखिए, और ये बटन दबाते हैं यहां से हमारा शार्पनर निकल के आता है, और यहां पर अपना एक्स्ट्रा शार्पनर भी आप रख सकते हैं। और ये देखिए ये वाला बटन दबाएंगे तो ये बटन दबाते ही गाइस इधर से निकल के आएगी हमारी सीजर, ये देखिए थोड़ी अटक गई है और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे पेपर कट करने के लिए एक सीजर निकल के आ जाती है, और ये देखिए इधर से आप इसको खोल के इसे पेपर कट कर सकते हो, इससे कुछ और नहीं कटेगा, ये पेपर कटिंग में बहुत ही ज्यादा काम आती है, और इससे किसी को चोट लगने का खतरा भी नहीं रहता है। और इधर से आप ओपन करेंगे तो यहां पर आप क्लास शेड्यूल देखने के लिए एक पर्ची मिल जाती है आपको, और यहां पर अपना बहुत सारा सामान जो है रख सकते हैं। और ये वाला बटन दबा स्लाइड करने से गाइस ये देखिए इसको हम स्लाइड करेंगे तो यहां से एक बहुत ही बढ़िया चीज निकल के आती है, देखिए वो है एक स्केल। ये देखिए गाइस एक 18 सेंटीमीटर का स्केल इसके अंदर से ही निकलकर आ जाता है, जो इसका सबसे बड़ा फीचर है, तभी मैं इसको बता रहा हूं। और ये यहां पर आप वापस से आप डाल सकते हो, देखिए इसके अंदर डाल के वापस से फिट कर सकते हो। इधर से दोबारा दबाएंगे स्लाइड करेंगे तो हमारा स्केल जो है निकल के बाहर आ जाता है, ये देखिए आ गया है। इसको वापस से अंदर कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, सारी चीजें इजिली जो है बंद भी हो जाती है। तो एक क्रोकोडाइल का पेंसिल बॉक्स कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, और इसकी प्राइस है मात्र 150 रुपीज। इसके बाद गाइज मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास एक बुलेट ट्रेन वाला पेंसिल बॉक्स। ये देखिए इधर हैप्पीनेस एक्सप्रेस इधर लिखा हुआ है, उधर कुछ वाइल्ड एनिमल्स बैठे हुए हैं। ये देखिए गाइज इधर से आप देखिए कितनी क्यूट पेंसिल बॉक्स है, और इधर ये देखिए लिक्विड भरा हुआ है, इसमें छोटा सा टर्टल्स और 2 मोती भी दिए गए हैं। और ये देखिए गाइज इधर से आप देखेंगे तो इधर हमें मिलता है शार्पनर, इधर से आप अपनी पेंसिल को डाल के शार्प कर सकते हो, और बाद में कुछ इस तरीके से खोल के जो कचरा है उसको बाहर फेंक सकते हो। ये देखिए इधर व्हील्स भी दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको इस तरीके से चला करके खेल भी सकते हो। और इधर से आप खोलेंगे तो इधर आपको पेंसिल वगैरह
रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। इधर अपना स्केल वगैरह आप रख सकते हो, कंपस रख सकते हो, और ये देखिए इधर से आप खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी गहरा स्पेस देखने के लिए जो है मिल जाता है। और इधर जो ट्रांसपेरेंट शीशा दिया गया है इसके अंदर क्या रखा हुआ है वो सब आपको इजिली जो है नजर आएगा। ये देखिए कैसी है पेंसिल बॉक्स आपको लगी, और इसको आप बटरफ्लाई की तरह उड़ा करके भी खेल सकते हो। तो ये बुलेट ट्रेन वाली पेंसिल बॉक्स कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और इसका प्राइस है गाइस 140 रुपीज। चलिए इसको रख देते हैं साइड में, और इसके बाद गाइज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त पेंसिल बॉक्स दिखाऊंगा और जिसका इंतजार सभी को रहता है वो है गाइज हमारी सबसे फेवरेट डोरेमोन वाली कैलकुलेटर जंबो पेंसिल बॉक्स। ये देखिए ये बीटीएस आर्मी वाली जो पेंसिल बॉक्स है उसी की तरीके से काम करती है, बस इसमें जो सबसे डिफरेंट चीज दी गई है वो एक कैलकुलेटर। ये बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पर आप जो भी चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए 12578 को हम मल्टी माइनस करते हैं 1569 से और देखते हैं क्या आता है। ये देखिए 11009 इधर आ चुका है। ये कैलकुलेटर बहुत अच्छे तरीके से जो है काम भी करता है। इसको जीरो कर देते हैं और यहाँ पर भी वैसे ही जो बटन दिए गए हैं जैसे कि हमारे बीटीएस वाले पेंसिल बॉक्स में हमें इधर दिए गए थे वैसे यहाँ पर सीक्रेट स्पेस दिए गए हैं, और इधर से आप बटन दबा के यहाँ से एक और सीक्रेट स्पेस जो है निकाल सकते हैं। ये देखिए गाइस वो भी इधर बाहर आ चुका है। ये देखिए 1 2 3 4 5 सीक्रेट स्पेस यहाँ पर मिल गए, और यहाँ पर यही नहीं यहाँ पर एक और सीक्रेट स्पेस है जो यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो टोटल 6 सीक्रेट स्पेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। इनको वापस से आप स्लाइड करके बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आराम से हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया ये पेंसिल बॉक्स है। और ये देखिए गाइस ये बटन, ये देखिए यहाँ पर अपने क्रेयॉन्स वगैरह आप रख सकते हैं, यहाँ पर पेन पेंसिल्स रख सकते हैं, और ये देखिए कैलकुलेटर तो आपने देख ही लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर नेम और क्लास आप लिख सकते हैं। और ये पेंसिल बॉक्स गाइस हमने 280 रुपीज में खरीदा है, वो वाला गाइस 260 रुपीज में खरीदा था, और ये कैलकुलेटर वाला हमने 280 रुपीज में खरीदा है। तो दोनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये कैलकुलेटर वाला ज्यादा अच्छा लगा, आप जरूर बताना आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। इसको रख देते हैं गाइस साइड में और देखते हैं नेक्स्ट क्या है आज हमारे पास। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही प्यारी चीज जो है एक बेन 10 वाला पेंसिल बॉक्स। और गाइस ये काफी यूनिक पेंसिल बॉक्स है, इधर एक 3D स्टिकर दिया गया है, इसको आप ऐसे पलटेंगे तो इमेज जो है इधर बदलती है बार-बार। ये देखिए अलग आ गई, ये देखो इधर अलग आ गई, इधर करेंगे अलग आ गई, इधर करेंगे तो अलग आ गई। इधर बेन 10 बना हुआ है और बेन 10 के कैरेक्टर्स जो सुपर हीरोज बेन 10 के वो इधर बने हुए हैं। और ये बटन दबाएंगे तो यहां से शार्पनर पेंसिल शार्प करने के लिए एक स्पेस खुल जाता है, यहां से आप पेंसिल डाल के जो है शार्प कर सकते हैं, और जो कचरा आपका जो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर उसको बाद में आप ऐसे खोल के जो है निकाल सकते हैं। काफी बढ़िया पेंसिल बॉक्स है, और इधर से आप खोलेंगे तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, और ये देखिए इसको ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया, इससे आप कुछ भी कैलकुलेटर वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए कैलकुलेटर के एकदम रियल लाइफ में काम भी करता है। इधर प्लस कर देते हैं, ये देखिए इससे प्लस कर देते हैं, और देखिए हमारा जो है इधर आंसर भी आ चुका है। काफी बढ़िया ये कैलकुलेटर है हमारा, और इसको आप चाहे तो घुमा के ऊपर भी कर सकते हैं देखिए, और जो हमारा 3D स्टिकर है वो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये भी इधर काम करता है। और यहाँ पर यही नहीं, इसका एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये देखिए इसमें एक लैंप भी दिया गया है, और इसको आप जैसे मर्जी आप घुमा सकते हो, जहां मर्जी आप इसको मोड़ सकते हो। ये देखिए, और ये रात के अंधेरे में जब आपको पढ़ना हो स्टडी करना हो तो ये बहुत काम आता है। और ये देखिए इसको बंद कर देते हैं, और पीछे भी आपको इसके बहुत ही गहरा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। ये पेंसिल बॉक्स हमने 120 रुपए में खरीदा है, और 120 रुपए में ये पेन 10 वाला कैलकुलेटर वाला मिनी पेंसिल बॉक्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना गाइस, क्योंकि हमारे पास एक इसी के जैसे दिखने वाला एक बड़ा पेंसिल बॉक्स भी है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा वाला जंबो पेंसिल बॉक्स भी बोल सकते हो, और इसमें भी कैलकुलेटर दिया गया है। इसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूं ये कैसे काम करता है गाइस। ये देखिए इधर भी कैलकुलेटर दिया गया है, यहाँ पर भी आप ऑन ऑफ का बटन दिया गया, वैसे ही ये कैलकुलेटर भी काम करता है। इसके अंदर भी आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया पेंसिल बॉक्स है। इधर बहुत बढ़िया बेन 10 दिया गया, बेन 10 की वॉच बेन 10 ने पहनी हुई है, यहाँ पर एक स्टिकर दिया गया है, और ये बटन देखिए कुछ 4 बटन दिए गए, इनको दबा लेते हैं। ये बटन दबाते हैं तो यहाँ से एक स्पेस मिल जाता है, ये बटन दबाएंगे यहाँ से भी स्पेस एक निकल के आता है, और ये दबाएंगे और ये दबाएंगे यहाँ से शार्पनर और यहाँ पर इरेजर रखने के लिए एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और इसको इधर से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपने पेंसिल पेंस वगैरह रख सकते हैं, स्केल कंपस वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, और इन सबको हम बंद कर देते हैं, बहुत ही आराम से बंद हो जाता है। ये देखिए, और ये पेंसिल बॉक्स हमने 200 रुपीज में खरीदा है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेटर भी है और आगे पीछे इसके स्पेस भी मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर अपना नेम और क्लास लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 से 9 तक टेबल भी दी गई है, और यहाँ पर अपने बहुत सारे कंपास सेट स्क्वायर वगैरह और स्केल वगैरह और सब कुछ यहाँ पर बहुत ही आराम से आपका जो है आ जाएगा। तो ये पेंसिल बॉक्स आपको 200 रुपीज में कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। तो इसको भी रख देते हैं साइड में। इसके बाद गाइज मैं आपको बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स दिखाने वाला हूं, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, वो बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जो है एक एलिफेंट वाला पेंसिल बॉक्स।
और ये ट्रक स्टाइल में पेंसिल बॉक्स दिया गया, एकदम ट्रक जैसा ये नजर आता है। और आप इसको बोर होते टाइम इसको आप ऐसे चला करके खेल भी सकते हो। ये देखो धक्का मारो तो ये आगे की तरफ भी जाता है। ये देखिए काफी क्यूट पेंसिल बॉक्स है, इधर काफी क्यूट एलिफेंट भी बना हुआ है और एलिफेंट ही इस ट्रक को चला भी रहा है। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन दिया गया, इसको दबा लेते हैं। ये बटन दबाने से यहाँ पर एक स्पेस निकल के आता है और ये वाला बटन दबाने से भी यहाँ से एक स्पेस निकल के आ जाता है। इसके अंदर आप छोटी छोटी चीजें अपने आराम से रख सकते हैं। और इधर से आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको शेड्यूल के लिए एक स्लिप मिलते हैं। आप अपना शेड्यूल वीकली शेड्यूल लिख सकते हैं और यहाँ पर अपने पेन पेंसिल्स क्रेयॉन्स वगैरह रख सकते हैं। इसको बंद करेंगे गाइस और ये देखिए इधर लिखा हुआ है पुश। इसको पुश करके ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक स्पेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ अपना सीक्रेट स्पेस है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें छुपा कर रख सकते हैं। और इसको ऐसे ऊपर करके निकालेंगे तो यहाँ से एक शार्पनर देखने के लिए मिल जाता है, एक मिनी कार स्टाइल में शार्पनर मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। और इसको आप वापस से रख के इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर कोई इरेजर वगैरह भी रख सकते हैं। ये देखिए और इनको हम बंद कर देंगे गाइस इस तरीके से। और बंद करने के बाद पीछे से खोलते हैं और पीछे भी आपको बहुत बड़ी स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया जब आप बोर हो रहे हो तो इसको आप ऐसे चला करके भी खेल सकते हो। और ये पेंसिल बॉक्स हमने गाइस 180 रुपीज में खरीदा है। ये कैसा लगा 180 रुपीज में एलिफेंट वाला ट्रक स्टाइल का पेंसिल बॉक्स कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसको रख देते हैं गाइस साइड में। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास है एक एवेंजर्स वाला मिनी पेंसिल बॉक्स। ये देखिए इधर हल्क है, कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन और थॉर है। ये देखिए और सेम इधर भी प्रिंटेड किया गया और लेकिन इधर दिया गया डोरेमोन जो कि 3D स्टाइल में दिया गया है। इसको आप ऐसे पलटेंगे तो इमेजेस चेंज होती है। देखिए इधर अलग आ गया, इधर अलग आ गया। और इसको आप ऐसे खोलेंगे तो यहां पर भी आपको कैलकुलेटर देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए यहां पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और ये ऑन हो चुका है। और आप चाहे तो इसको पलट के डोरेमोन को नीचे कर सकते हैं और कैलकुलेटर को ऊपर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से जैसे आपको ठीक लगे। और यहां पर अपनी बहुत सारी चीजें आप यहां पर भी रख पाएंगे और यहां पर भी आप रख पाएंगे। और ये 120 रुपए वाला पेंसिल बॉक्स जो एवेंजर्स का कैलकुलेटर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आया तो इसको भी रख देते हैं। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे पास एक ट्रेन स्टाइल का मेटल पेंसिल बॉक्स। ये आधा प्लास्टिक का बना हुआ है और आधा मेटल का बना हुआ है। यहां पर से आप पेंसिल डाल के जो है शार्प कर सकते हैं। ये देखिए और इसको आप चाहे तो इसके नीचे व्हील भी दिए गए हैं और आप इसको चला करके भी खेल भी सकते हैं। ये देखिए चलती भी है ये। और इधर से आप खोलेंगे तो यहां पर आपको एक बहुत ही गहरा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। आपने स्टेशनरी आइटम बहुत कुछ आप इसके अंदर रख सकते हैं। और इसको बंद करके इधर से भी आप नीचे से खोलेंगे तो यहां पर भी एक बहुत बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहां पे 1 से 9 तक आपको टेबल भी देखने के लिए मिल जाती है। और ये गाइस ये पेंसिल बॉक्स हमने 140 रुपए में खरीदा है। ये ट्रेन स्टाइल का मेटल बॉक्स वाला, मेटल और प्लास्टिक वाला आपको पेंसिल बॉक्स कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। 140 रुपए में काफी बढ़िया है ये। और इसके बाद गाइस लास्ट में आपको गर्ल्स की जो सबसे फेवरेट है जिसका इंतजार गर्ल्स बहुत देर से कर रही होंगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। वो है एक हमारा यूनिकॉर्न वाला पेंसिल केस। ये देखिए पेंसिल वाला पाउच भी बोल सकते हो आप इसको, कैश भी केस भी बोल सकते हो। इधर लिखा है टाइम टू बी या यूनिकॉर्न इधर लिखा हुआ है और 3D स्टाइल में काफी कलरफुल यूनिकॉर्न इधर बना हुआ है। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है। पीछे से इधर ये यूनिकॉर्न इधर लिखा हुआ है और काफी प्लेन स्पेस दिया गया है, काफी खूबसूरत। और यहाँ पर सिंगल डबल जिप दी गई है, ये देखिए दो दो जिप दी गई है, काफी हैवी क्वालिटी की जिप्स है, खराब भी नहीं होंगी। इसको आप ऐसे खोलेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर अपनी बहुत सारी सामान आप रख पाएंगे। ये देखिए इसको ओपन करके बहुत सारी स्टेशनरी आइटम वगैरह आप इसके अंदर इधर रख सकते हैं। और इसको आप ऐसे बंद कर दें और इसको अचानक से आप खोलेंगे तो आपका सामान जो इधर रखा होगा वो गिरकर फैलेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं। और ये आप अपनी पेंसिल पेंस वगैरह, क्रेयॉन्स वगैरह और कलर पेंस होते हैं यहाँ पर आप लगा के रख सकते हैं। और यहाँ पर अपना कंपास, स्केल, सेट स्क्वायर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप जो है रख सकते हैं। बहुत ही आराम से सब कुछ यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा और आप इसको कुछ इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। ये देखिए और ये जो यूनिकॉर्न का पेंसिल वाला पाउच है ये हमने ऑफलाइन मार्केट से जो है 120 रुपए में जो है खरीदा है। अब मैं सारी की सारी पेंसिल बॉक्स फिर से आपके सामने रख देता हूं और इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। ये देखिए गाइस सारे के सारे पेंसिल बॉक्स आपके सामने मैंने फिर से रख दिया है। यूनिकॉर्न वाला, डोरेमोन वाला, बेंटन वाला, BTS वाला, आपको सबसे प्यारा कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स का पूरा इंतजार करने वाला हूं गाइस। और ये देखिए और कौन सा आपको सबसे फेवरेट लगा कमेंट में जरूर बताना। और BTS आर्मी वाले इन सबका कैरेक्टर्स का नाम जरूर कमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइस वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे ताकि वो लोग भी देख के एंजॉय कर सके।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर से दबा लेना, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस हमेशा ही मैं आपके लिए चैनल पर लाता रहूंगा। और जो लोग ये पेंसिल बॉक्स, इस तरीके के पेंसिल बॉक्स खरीदना चाहते हैं, वो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक बैग बना हुआ है इस जगह पे कोने पे, तो उस बैग पर आप क्लिक करके जो ये सारी जो पेंसिल बॉक्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, वो आप खरीद सकते हैं। बाय बाय।